जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाय, मैं हूं संगीता कृष्णन। जागरण जोश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इस हफ्ते के कुछ टॉप हेडलाइंस पर। आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आधार के संवैधानिक वैधता को मान्यता प्रदान की। अडल्ट्री लॉ पर सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, कहा वैवाहेतर संबंध अपराध नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित। केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने 53 साल पुरानी परंपरा को असंवैधानिक बताया। अब महिलाएं भी जा सकेंगी केरल के सबरीमला मंदिर। केरल के सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की औरतों के प्रवेश पर रोक है। इसी रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की बहुमत से सबरीमला मंदिर में औरतों पर लगे बैन को हटा दिया। इस बहुमत में सिर्फ एक जज शामिल नहीं थे। तो आइए समझते हैं कि मामला है क्या असल में। तो केरल के सबरीमला मंदिर में सदियों से चलती आ रही परंपरा के मुताबिक 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंदिर के ट्रस्ट के हिसाब से मंदिर में 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है, जिसके पीछे ट्रस्ट ने कुछ धार्मिक कारण बताए। इस बैन के खिलाफ केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट ट्रावनकोर देवासम बोर्ड से जवाब मांगा था कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत क्यों नहीं है। इसका जवाब देते हुए बोर्ड ने कहा कि भगवान अय्यप्पन ब्रह्मचारी थे, इसीलिए सिर्फ छोटी बच्चियां या बूढ़ी औरतें मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, अर्थात सिर्फ वही महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं जिनका मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो या खत्म हो चुका हो। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के मुताबिक हर किसी को बिना किसी भेदभाव से मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संविधान में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात लिखी गई है। इसके अलावा संवैधानिक पीठ ने कहा कि मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी कानून पर निर्भर नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित है। इसका अर्थ यह है कि महिला होने के नाते प्रार्थना करने का अधिकार किसी विधान के अधीन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक पीठ में पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिसेस A.M. खानविलकर, D.Y. चंद्रचूड, R.F. नारिमन और इंदु मल्होत्रा शामिल थे। इन 5 जजों की पीठ में सिर्फ एक जज इंदु मल्होत्रा ने इस फैसले के खिलाफ अपना मत दिया था। तो इसी के साथ ही हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।